दोस्तों आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दुबई में होती हैं। अब ये सिर्फ दुबई में ही चीज़ें देख सकते हैं। दुबई दुनिया की एक अनोखी जगह है जहां घूमने के लिए एक अलग ही दुनिया लगती है। उसका मतलब कि हर चीज़ अनोखी होती है, चाहे वहां के लोग हों या फिर कोई बिल्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं नए आने वाले लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आती है बात सबसे पहले पेट एनिमल। जो इंसान जानवरों से प्यार करता है वो कुत्ता या बिल्ली या कोई पालतू जानवर रख लेता है, मगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दुबई में लोग शेर और चीते को रखना पसंद करते हैं क्योंकि वो खतरों से प्यार करते हैं। शेर और चीते को रखना पसंद करते हैं। और दोस्तों उसके बाद बारी आती है प्लेग्राउंड की। दोस्तों हम और आप हॉकी, फुटबॉल या टेनिस ग्राउंड पे खेलना पसंद करते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई में लोग टेनिस वगैरह गेम्स आसमान के बीचों बीच खेलते हैं, जो कि हम एक पागलपन इसको कह सकते हैं क्योंकि खेलने के लिए ग्राउंड होते हैं। उसके बाद आती है राइडिंग। दोस्तों आपने बाइक रेसिंग बाइक पर सफ़र करना या घोड़ों पर सैर करना तो देखा ही होगा, लेकिन आपको बता देंगे दुबई में लोग शेयर पर सफ़र करते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों कार डिलीवरी। कार डिलीवरी एक आम सी बात होती है जो कि पूरी दुनिया में भी होती है, लेकिन दुबई में इसको कार डिलीवरी को महंगे कैसा बनाया जाए वो आप दुबई से सीख सकते हैं। दोस्तों दुबई में दरअसल कार डिलीवरी होती है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए होती है। चाहे आपकी कौन सी भी प्लेस है, कितना भी आपका बिल्डिंग या माड़ ऊपर है, आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं और आपको यहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑर्डर की डिलीवर की जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट से भी बचा सकता है और महंगा भी आपको डिलीवरी पड़ जाता है, मगर कार आपको सही सलामत डिलीवर किए जाती है। और उसके बाद बात ये आती है आइस स्किन की। दोस्तों दुबई रेगिस्तान से बिल्कुल ही तरह घिरा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साल के 12 महीने आपने दुबई के आइस स्किन में गुजारने हैं तो आपने घबराना नहीं है। सिर्फ आपने मार्ट ऑफ एमआरएस में जाना है और वहाँ साल के 12 महीने ही आपने आइस स्किन में गुजारने हैं। और दोस्तों सोना हम सब पहनना पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में सोना पहना जाता है, लेकिन दुबई में सोने को एक अलग ही तरजीह दी गई है। दुबई में सोने की कार मौजूद है, गोल्ड की कार मौजूद है, जो कि आपको रोड पर आम सी चलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों हम सोना पहनते हैं लेकिन दुबई वाले इसको चलाना पसंद करते हैं क्योंकि ये कार्स में लगाए जाते हैं। उसके बाद आती है कैमल रेस। दोस्तों आपने ऊंट रेस या घोड़ी रेस तो सुनी होगी, लेकिन ये पूरी दुनिया में होती है, लेकिन दुबई में इसको कैसे अलग किया जाता है वो दुबई में बताता है। दुबई इसमें रोबो रेस में कैमल को दौड़ाता है। उसके बाद आती है अबेंडेंट कार। दोस्तों आपकी और हमारे कुछ ऐसे शौक होते हैं, ऐसी कार्स होती हैं जैसे फरेरी हम ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन दुबई में उसको ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ वो धूल से धुली होती है कार्स। हमारे सपने वहाँ मिट्टी में धुले होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दुबई है, इसमें पैसों की कोई कदर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं कम्बोट की, कम्बोट आमतौर तो हम प्लास्टिक और कोई चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन कम्बोट अगर सोने का दिखे तो समझ लेना कि वो दुबई है।